जब आदमी का विनाश निकट आता है तो उसकी सबसे पहले बुद्धि विपरीत हो जाती है, और विपरीत बुद्धि का अर्थ स्त्री की आसक्ति में इतना फंस जाता है कि आदमी अंधा बन जाता है। जब सीता जी ने कहा कि मुझे वह मृग चाहिए, तो राम को सोचना चाहिए था ना कि सीता इस मृग का क्या करेगी, क्या सीता नॉनवेज खाती है, आखिर यह मृग क्या काम का है। अपनी पत्नी के, अपने आश्रितों के बातों के ऊपर कुछ विचार करें और फिर उसे अप्लाई करें। भगवान ने इस लीला से मानव समाज को एक उपदेश दिया कि मेरी तरह अपनी पत्नी की आसक्ति में फंसोगे तो दर दर भटकोगे और रात दिन रोना पड़ेगा। मैं बार बार आपको कह रहा हूं, पत्नी से प्रेम करे, पति पत्नी में, मैं आपकी गृहस्थी में आग लगाने नहीं आया हूं और न तो मुझे कोई इंटरेस्ट है। पत्नी से प्रेम करे, दिन में दो पांच शायरी भी बोले, जो भी पति पत्नी के प्रेम में जो भी होता है वह सब कुछ करे, लेकिन आसक्त ना हो। आज का आदमी अंधा बन जाता है। राजा दशरथ कैकेयी ने कहा कि मुझे दो वरदान, एक भरत को राजा बनाओ, दूसरा राम को 14 वर्ष के लिए वन में भेज दो। रामायण में वर्णन है, राजा दशरथ ने दोनों हाथ जोड़े, कैकेयी के पांव में पड़े, रोने लगे। दशरथ जिसका रथ दशो दिशा में चलता था, इतना बड़ा वीर उस स्त्री के चरणों में गिर गया। कैकेयी, मान जाओ, मान जाओ, तुम अपना वर वापस ले लो। यहां तक राजा दशरथ मर गए, अपने प्राण छोड़ दिए, लेकिन अपनी पत्नी को एक बार भी यह नहीं कर पाए कि तुम्हें जो कुछ भी मांगना है मांगो, मैं राम को वन में नहीं भेजूंगा, तारे था ये करी ले, हूं राम ने वन में नहीं मोकलू। कैसे, पति है, पति है, पति का इतना तो अधिकार बनता ही है, क्या सत्य क्या असत्य वे अपनी पत्नी को समझाए और कहे। लेकिन राजा दशरथ जैसे भी स्त्री के हाथों का गुलाम बन जाते हैं, और फिर क्या होता है, स्वयं को मरना पड़ा, भगवान को वन में भेजना पड़ा, अनर्थ ही अनर्थ। आज राजा उत्तानपाद अपनी पत्नी के मोह में फंसकर अपने बच्चों के प्रति कर्तव्य भूल गए, अपने पुत्र का कर्तव्य चूक गए। और ध्रुव तो खड़ा है, ये राजा का अपना बेटा है, यदि कोई बाहर किसी और का भी बेटा होता ना तो आदमी उठाकर गोद में बिठा लिया होता है, किसी दूसरे का बालक होता फिर भी गोद में बिठा लिया, ये तो अपना बेटा है। वो डांट रही है, वो क्रोध कर रही है, और ध्रुव अपने पिता के सामने देख रहा है, लेकिन फिर भी राजा अपनी पत्नी के रंग में इतना रंग गया, चुक गया। ध्रुव के हृदय में बहुत बड़ा धक्का लग गया, बोले मां मुझे डांट रही है, और मां डांटेगी इसमें कोई संशय नहीं, ये कोई नई बात नहीं है, क्योंकि मेरी सौतेली मां है। ध्रुव को दुख इस बात का था, मां सौतेली है लेकिन बाप तो मेरा है। कुछ नहीं बोला। मैत्री जी कहते हैं, पितरम सन्न वाच, पिताजी कुछ नहीं बोले। तब ध्रुव जगाम मातु प्ररुदन सकांचम, रोते हुए उस स्थान को छोड़कर वहां से चले गए। रोते हुए दौड़ते हुए ध्रुव अपनी मां सुनीति के घर पर उस झोंपड़ी में आए। मित्र जी कहते हैं, तमनी श्वसन तम स्फुरिता धरोष्ठम
सुनीति ओ संग उदुय बालम निशम्य तत्पोर मुखानितान्तं साविव्यते य गदितं सपत्न। चिंतामणि जी समझ में आ रहा है ना? नहीं कुछ समझ में आ रहा है तो ठीक है, नहीं तो आप इतनी देर तक बैठ नहीं सकते। आज बैठे हो तो लगता है कुछ समझ रहे हैं, आनंद आ रहा है। ठीक बोल रहा हूं ना? तम निश्वसंतम स्फुरिता धरोष्ठम, ध्रुव की स्थिति का वर्णन इस श्लोक में कर रहे हैं मैत्रेय मुनि। ध्रुव रोते हुए लंबी सांस लेने लगे, स्फुरिता धरोष्ठम, ध्रुव के होठ कांपने लगे। बच्चा जब बहुत रोता है ना, जब बहुत दुख लग जाता है तो दोनों होंठ कांपने लगते हैं, और दौड़कर अपनी मां सुनीति के गोद में मस्तक रखकर रोने लगा। सुनीति कहने लगी, बेटा क्यों रो रहे हो? बेटा क्या हुआ, तुम्हें क्या चाहिए? जो भी चाहिए बोलो, मैं दुकान से लाकर दे दूंगी। बार बार सुनीति कह रही है, बेटा क्यों रो रहे हो, क्यों रो रहे हो? लेकिन ध्रुव को इतना कष्ट हुआ, ध्रुव इतना रो रहे थे, बोलने की हिम्मत नहीं थी। बार बार सुनीति के कहने पर जब ध्रुव कुछ नहीं बोल पाए, महल के कुछ दास दासियां सुनीति के घर पर आए थे। ध्रुव ने कुछ नहीं कहा, महल के दास दासियों ने सारी घटना का वर्णन सुनीति के सामने किया, और सुनीति ने जब यह घटना सुनी, मैत्री जी कहते हैं, निशम्य तत्पोर मुखानितान्तं साविम्यतेय गदितं सपत्न्या। निशम्य तत्पोर मुखानितान्तम्, उस पूर्व में राज्य में रहने वाले लोगों से अपनी सोत के वचन को, इस सारी घटना को सुनकर ध्रुव के साथ साथ सुनीति भी रोने लगी। मां भी रो रही है, बेटा भी रो रहा है, और आज इन दोनों को शांत करने वाला कोई नहीं है। सुनीति सोचती है कि इस दुनिया में यदि कोई रोता है तो दो पांच लोग मिल भी जाता है उसे शांत करने के लिए। आज मैं और मेरा बेटा दोनों रो रहे हैं, लेकिन आज हमें शांत करने वाला, आज हमें मदद करने वाला इस संसार में, इस दुनिया में हमारा कोई नहीं है। सुनीति रो रही है और रोते हुए विलाप कर रही है। मित्र जी कहते हैं, श्रोत्सृज्य धैर्यम् विललाप शोक दावाग्निनादा लतेव बाला वाक्यं सपत्न्या स्मरति सरोज श्रीया दृशा बाष्प कलामुवा। सोत्सृज्य धैर्य विललाप शोक, विलाप करने लगी। भक्तों रुदन का अर्थ होता है मात्र रोना, लेकिन विलाप का अर्थ होता है विशेष रूप से आलाप लेकर रोना, अर्थात गाते अपने दुखों को गाते गाते रोना।
और लगभग इसमें स्त्रियां एक्सपर्ट होती हैं। और पुरुष तो गाते हुए रोता अच्छा भी नहीं लगता है, क्यों लगे? स्त्रियां गाते हुए रोती हैं, विलाप कर रही थी और विलाप करते हुए सुनीति की स्थिति जैसे जंगल में दावाग्नि लगे और उस दावाग्नि में बड़े बड़े वृक्ष जलकर राख हो जाते हैं, छोटी सी पतली सी लता का तो क्या कहना। जंगल में आग लगने से लता सूख जाती है, वैसे ही सूरज सुनीति सूख गई। श्रीधर स्वामी कहते हैं, बिल्कुल सटीक दृष्टांत दे रहे हैं मैत्रेय ऋषि। जंगल की लता जब आग लगती है तो लता जल जाती है और जलते हुए सरसर सरसर आवाज करती है, और क्योंकि गीली होती है इसलिए पानी भी छोड़ देती है। जंगल में आग लगने से लता जल जाती है, पानी छोड़ती है और आवाज करती है। यह शोक इस दुख के कारण है। सुनीति रो रही थी, आंखों से पानी भी निकल रहा था और मुख से विलाप हो रहा था लता के समान। और एक विशेष शब्द दिया गया, बाला, दावाग्निना दाव लतेव बाला। सुनीति की उम्र कोई बहुत बड़ी नहीं थी, 20-22 साल की उम्र थी सुनीति की। जीवन का इतना कोई अनुभव भी नहीं था, छोटी सी उम्र थी और छोटी सी उम्र में ही इतना बड़ा शोक, इतना बड़ा दुख आ गया। वाक्यम सपत्न्या स्मरति सरोज श्रीया दृशा बाष्प कलामुवा। वाक्यम सपत्न्या स्मरति सरोज, अपनी सोत के वाक्य का स्मरण कर करके सुनीति रो रही थी। हम भक्तों, जिसको अभिमानी है उसको बोलने में क्या कंट्रोल, वो तो कुछ भी बोल देता है। अभिमान व्यक्ति को इस प्रसंग में किसी कवि ने एक बहुत सुंदर शेर लिखा। वो कहते हैं, यूं तो मेरी अकल में पर्दा पड़ता रहा, मैं खुद को दूसरों से बड़ा मानता रहा। यूं तो मेरी अकल में पर्दा पड़ता रहा, मैं दूसरों से अपने को बड़ा मानता रहा। कोई बिना गुनाह किए पा गया सजा यहां, कोई बिना गुनाह किए यहां पा गया सजा, और सो सो पाप करके यहां मैं देवता रहा। बहुत सुंदर, समझने लायक शेर है। यूं तो मेरी अकल में पर्दा पड़ा रहा। इस संसार में यदि कोई अपने आप को महान समझे, अभिमान करे, यह अभिमान पर्दे के अलावा कुछ नहीं, वो पर्दे के पीछे बैठा है। वास्तविक स्थिति का उसे ज्ञान नहीं है। और कलयुग है ना, इस कलयुग में ऐसे लोगों को ही सपोर्ट मिलता है। कहते हैं, सो सो पाप करके मुझे देवताओं की तरह, सो सो पाप किए मैंने लेकिन फिर भी समाज में देवताओं की तरह पूजाया गया। और जिसकी कोई गलती नहीं थी उसको सजा मिल गई। है मुझे आराम तो आराम में मदहोश हूं,
मेरी गलती यही है कि मैं जुल्म में खामोश हूं। एक दुखी भक्त की दास्तान। बस गलती इतनी है कि कोई मुझे दुखी कर रहा है और उसने अनजान होकर भी मुझे क्या क्या कहा। समाज में हम देखते हैं काई खबर न होए, पण तमे क्यारेक मळो, कभी आप चर्चा करो, फलाने प्रभु जी बहुत अच्छे हैं, तो 10 लोग आकर कहेंगे वो अच्छा हो ही नहीं सकता। उसमें तो ये दोष है, ये दोष है। एक सत्य घटना बताऊं, मैंने कहा था मलाड में, एक सज्जन किसी के घर पर गए, सज्जन थे, कहा फलाने भाई की गृहस्थी कितनी अच्छी है, कितना सुंदर। ये आदमी कहता है कि अभी अभी शादी हुई है, थोड़े दिन बीतने दो तब पता चलेगा, देखना पति पत्नी के बीच में कितना झगड़ा होगा। 2-5 साल बीत गए, सुंदर गृहस्थ जीवन बीता। वो साधु सज्जन आदमी उसके घर पर जाकर कहा कि कितनी सुंदर गृहस्थी है, कोई झगड़ा नहीं, पति पत्नी के बीच में कितना प्रेम है। तब वो आदमी बोला ठीक है, लेकिन बच्चा बच्चा होगा तो कहना, मैं कहता हूं इसको बच्चे ही नहीं होंगे। 1 साल के बाद सुंदर बालक का, पुत्र का जन्म हुआ, पुत्र रत्न का जन्म। ये सज्जन आदमी उनके घर पर जाकर कहा सुंदर बेटे का जन्म हुआ है, बेटे का जन्म हुआ, लेकिन अच्छी स्कूल में एडमिशन मिलेगा तो कहना, बच्चे का जन्म होने से क्या हो गया। बहुत अच्छी स्कूल में एडमिशन मिला। ये सज्जन आदमी जाकर उसे कहा कि बहुत अच्छी स्कूल में एडमिशन मिल गया। बोले एडमिशन मिला है ना, अच्छा मार्क्स आएगा तो कहना, एडमिशन मिलने से क्या हुआ, अच्छे मार्क्स आने चाहिए। 10 साल तक वह बच्चा स्कूल में पढ़ा और बहुत अच्छे मार्क्स से पास हुआ। ये सज्जन आदमी उनके घर पर गया कि 97% आए उस लड़के को, अच्छी कॉलेज मिले तो कहना। मुंबई में सबसे अच्छी कॉलेज में उसे एडमिशन मिल गया। सज्जन आदमी ने जाकर कहा बहुत अच्छी कॉलेज में एडमिशन, डिग्री मिले तो कहना, कॉलेज में जाने से क्या हुआ, डिग्री होनी चाहिए ना। बहुत अच्छी डिग्री मिल गई, सज्जन आदमी उसके घर पर गया, डिग्री मिलने से क्या, नौकरी तो लगने दो। बहुत अच्छी नौकरी मिल गई, सुंदर पैसे भी कमाने लगा। सज्जन आदमी गया, पैसे कमाने से क्या होता है, अच्छी अच्छी लड़की तो मिलने दो उसे। बहुत अच्छी लड़की मिल गई, उनकी शादी हो गई। ये गया, अब तो शादी भी हो गई, बोले बच्चे तो होने दो। भाई हवे तो तू पाछो पड़, अब तो तू रुक जा, दो दो पीढ़ी चली गई। लेकिन जो आदमी ईर्ष्या ही करना चाहता है, किसी का अच्छा देख ही नहीं पाता, उसका क्या किया जाए। उसने अनजान होकर भी मुझे क्या क्या कहा, अनजान होकर कुछ नहीं जानते हैं, लेकिन फिर भी बस कमेंट देते रहते हैं, कमेंट देते रहते हैं। याद रहे, किसी सज्जन पुरुष के विषय में बिना जाने बिना समझे हम बार बार लगातार कमेंट देते रहते हैं, उससे उस सज्जन पुरुष को तो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन हमारा जीवन बर्बाद हो जाएगा। सूर्य के सामने थूकने से सूर्य नहीं बिगड़ता है, वो थूक हमारे शरीर पर ही गिरती है, हमारा जीवन बर्बाद होता है। इसलिए
बिना जाने बिना सोचे बिना समझे कभी भी किसी के बारे में कोई कमेंट नहीं देनी चाहिए। उसने तो अनजान होकर भी मुझे क्या क्या कहा, और इधर मैं हूं कि सब कुछ जानकर भी खामोश रहा। संत का ये, साधु का ये आचरण होता है, सब कुछ जानता है खामोश रहता है, खामोश जानता है कौन सही है कौन गलत है लेकिन खामोश रहता है। सुनीति खामोश रही। सुनीति चाहती तो कोर्ट कचहरी वाले को बुलाती, पंच को एकत्रित करती कि भाई पंच आओ, कचहरी वाले आओ, हमारा कुछ करो, लेकिन जिसको खबर नहीं होती वे लोग चिल्लाते हैं, लेकिन भक्ति का राज जो पा जाते हैं वो चुप और खामोश रहते हैं। कोई कितनी भी निंदा करे, कोई कितना भी दुख दे, एक दृष्टि से सुनीति का आचरण बहुत सुंदर कि उन्होंने कोई एक्शन नहीं लिया, कोई एक्शन नहीं। हम तो कोई एक बार गाली भी दे देता है तो जीवन भर तक याद रखते हैं, साला एक दिन तो ऊंट पहाड़ के नीचे आएगा। एवरी डॉग हैज वन डे। लेकिन जो पा गया वो राज, भक्ति का राज जो पा गया वो चुप है खामोश है। भागवत का सिद्धांत इस कवि के पद में उतर गया। राजा परीक्षित दिग्विजय करके जब कुरुक्षेत्र पहुंचे हरियाणा में, तो वहां पर महाराज परीक्षित ने एक चौंकाने वाला दृश्य देखा। दृश्य यह था कि किसी बैल के तीन पांव कटे हुए थे और उसके बाजू में गाय खड़ी थी और वह गाय रो रही थी। आज तक राजा परीक्षित के राज्य में किसी ने मच्छर भी नहीं मारा था और अपने राज्य में किसी बैल के तीन पांव कटे हुए देखे, राजा तो चौंक गए। अपने रथ से नीचे उतरे, तुरंत उस बैल के पास, बताओ तुम्हारे ये तीन पांव किसने काटे हैं? क्योंकि जिसके राज्य में, जिस राजा की प्रजा, चिंतामणि जी, जिस राजा की प्रजा दुखी रहती है उस राजा को नरक में जाना पड़ता है। और दूसरी बात भी कह दूं कि जिस राजा की प्रजा सुखी रहती है, इस प्रकार से भजन भक्ति और कथा कीर्तन करती है, वो राजा बिना कुछ किए स्वर्ग को प्राप्त कर लेता है। जाना है ना स्वर्ग में, तो कल आ रहे हैं। वेदव्यास मुनि महाभारत में ऐसा लिखते हैं, अब हमारे तो राजा यही है ना, तो वेदव्यास मुनि ऐसा लिखते हैं कि जिस राजा के राज्य में प्रजा प्रसन्न रहती है, सुखी रहती है, और प्रजा जो भी भक्ति करती है, साधना करती है, पुण्य करती है, उसका सातवां हिस्सा राजा को बिना कुछ किए प्राप्त हो जाता है, बिना कुछ किए। क्योंकि प्रजा भी कुछ कर रही है तो राजा के सहयोग से, राजा के आशीर्वाद कृपा से। क्षत्रियों के हाथों में प्रजा का शासन होता है। बड़े दुख की बात है, क्षत्रिय समाज के रक्षक माने गए हैं, लेकिन आजकल के कुछ क्षत्रिय जिसको समाज का रक्षण करना चाहिए वो समाज का भक्षण कर रहे हैं। बहुत कुछ ऐसे क्षत्रिय चिंतामणि जय जैसे हैं कि जो समाज का रक्षण कर रहे हैं, आज भी अपने बड़े दिल से
बड़े भाव से जब भी इनके पास जाते हैं तो कभी ना नहीं होती है। आज भी मैं ये कह रहा था, महाराज परीक्षित के राज्य में कोई दुखी नहीं था और देखा कि मेरे राज्य में किसी बैल के तीन पांव काट दिए। तुरंत कहा, बताओ ये तुम्हारी हालत किसने की है? बैल कुछ नहीं बोला। बार बार महाराज परीक्षित पूछने लगे, अरे बोलना नहीं जानते हो तो इशारा कर दो, मैं आज और अभी उसे मौत के घाट उतार दूंगा। ऐसी हिम्मत मेरे राज्य में ऐसा कोई अत्याचार करे? बहुत पूछने पर वो बैल बोला, राजन राजन आप यही जानना चाहते हो ना कि मेरे पांव किसने काटे? राजन आप यही जानना चाहते हो ना मेरे दुख का कारण क्या है? सच कहूं तो मेरे दुख का कारण मैं भी नहीं जानता हूं। कुछ लोग ऐसा कहते हैं दुख का कारण देवता है, धरती कम करते हैं, सुनामी कराते हैं, अतिवृष्टि अनावृष्टि। कुछ लोग ऐसा कहते हैं कि दुख का कारण देवता है, तो कुछ लोग ऐसा कहते हैं दुख का कारण हमारे स्वजन है, कुछ लोग ऐसा कहते हैं दुख का कारण हमारा कर्म है, तो कुछ लोग ऐसा कहते हैं कि ये सुख और दुख कुछ नहीं, ये मात्र हमारे मन की भ्रांति है। राजन मैं स्वयं नहीं जानता हूं कि मेरे दुख का कारण क्या है, और आप तो राजा हो। और राजा तो बड़े बुद्धिमान होते हैं, राजन आप ही बताइए कि मेरे दुख का कारण क्या है? तुरंत महाराज परीक्षित समझ गए कि इस प्रकार से धर्म की बात करने वाला, इतने बड़े धर्म के तत्व की बात करने वाला यह कोई साधारण बेल नहीं हो सकता। धर्मम ब्रविष्य मत दर्शनम, धर्म बोलने वाला यह साधारण बेल नहीं, यह बेल के रूप में साक्षात धर्मराज है। क्योंकि धर्म का सिद्धांत है भक्तों, इस दुनिया में जो लोग गलत काम करते हैं उसे तो पाप लगता ही है, लेकिन गलत काम करने वालों की जो चर्चा करते हैं उसको भी उतना ही पाप लगता है। गलत काम करने वाले को तो पाप है, लेकिन रात दिन बस ऐसे लोगों की चर्चा करते हैं, फलाना ने ऐसे किया, फलानी ने ऐसे किया, उनका नाम लेने वाले को भी उतना ही बराबर का पाप लगता है। धर्म का सिद्धांत, और इसीलिए तो उस कवि ने कहा ना, जो समझ गया वह राज वो चुप है खामोश है। कोई निंदा करे ईर्ष्या करे, चुप रहे खामोश रहे। और ये निंदा ईर्ष्या करने वालों की उम्र कितनी है? उम्र कितनी, कब तक करेंगे? अब मुंबई में जब होता हूं तो अनेकों जगह पर मुझे प्रवचन करने जाना होता है। लगभग रात को 12-12:30 बजे घर पर आता हूं। पता नहीं कुत्तों को काले रंग की गाड़ी से क्या एलर्जी है, और मेरे पास काले रंग की गाड़ी है। आपके पास भी है, आपने पहना ही है। ये रोज का अनुभव रहा मेरा कि जब गाड़ी लेकर गली से निकलते हैं तो कुत्ते पीछे भौंकते हैं, दो दो तीन तीन पांच पांच कुत्ते जोर जोर से भौंकते हैं और गाड़ी के पीछे दौड़ते हैं। अब हम तो गाड़ी में बैठे हैं, कांच बंद है, एसी शुरू है, हमें तो क्या प्रॉब्लम। अब उस समय गाड़ी खड़ा करके, गाड़ी से उतर कर क्या कुत्तों से बात करें, भाई साहब कोई प्रॉब्लम आपको, आप क्यों इतना चिल्ला रहे हो?
उसे अपना काम करने दो और आप अपनी गाड़ी चलाते रहो। वो कुत्ते कब तक भौंकेंगे, कब तक दौड़ेंगे? कुत्तों की दौड़ मात्र 100 फुट 150 फुट तक होती है। 100-150 फुट तक भौंकते हुए दौड़ते हैं, गाड़ी निकल जाती है और कुत्ते पीछे हट जाते हैं। भजन करने वाले को अपने मार्ग में चलते रहना चाहिए, कुत्ते कब तक भौंकेंगे? अंत में ईर्ष्या करने वाले थक जाएंगे और भजन करने वाला जीत जाएगा, गाड़ी निकल जाएगी। जो पा गया है राज वो चुप है, खामोश है। शास्त्र का सिद्धांत जिसने समझ लिया, ये राज जिसको मिल गया, वो दूसरों के द्वारा कितने भी निंदा ईर्ष्या होती रहे, वो चुप रहे, खामोश रहे। उन लोगों की उम्र कितनी है? निंदा करने वाले बरसाती छाते जैसे होते हैं, अपने गुजराती में बिलाड़ीना टोप कहवाए। बरसाती छाता करता बिलाड़ी नो टोप सारू लागे गुजराती में। ઘણીવાર લોકો એમ કહેતા હોય ને, ક્યારેક કોઈની નિંદા થતી હોય તો કહેતા હોય, એ તો વાયવું હોય ને ઉગે, ખોટા કામ કર્યા જ હોય એટલે જ આ બધા આની નિંદા કરતા હોય। ભક્તો વાવેલું જ નથી ઉગતું, જે નથી વાવતા એવું પણ ઉગે છે। બિલાડીના ટોપ કોણ વાવવા જાય છે, હે, છતાંય ઉગે છે ને। આ નિંદા આઈરિશા બિલાડીના ટોપ જેવી હોય, એ બધાય બિલાડીના ટોપ તણાઈ જાય, એમ ઈશ્વરની કૃપાનો વરસાદ થાય, ઈર્ષા કરવાવાળા તણાઈ જાય અને ભક્ત આગળ નીકળી જાય, ભક્ત કી જીત હો જાતી હૈ। જો પા ગયા હૈ રાજ વો ચુપ હૈ ખામોશ હૈ। સુનીતિ इस राज को पा गई। एक काम तो सुनीति ने बहुत अच्छा किया कि वह किसी को बताई नहीं, इस कड़वे घूट को, इस दुख को अपने हृदय में उतार ली। लेकिन एक चीज सुनीति से बहुत ठीक नहीं हुई आचार्यों की दृष्टि से, लिखते हैं, वाक्यं सपत्न्या स्मरति सरोज श्रीया दृशा बाष्प कलाम वाह। स्त्री का हृदय है ना, वाक्यम स्वपत्न्या स्मृति सरोज, लेकिन अपनी सौत के, अपनी सौत के वचन को बार बार स्मरण कर रही थी और बार बार उनके मन में दुख हो रहा था, बार बार शोक और चिंता हो रही थी। वाक्यम स्वपत्न्या स्मृति सरोज, सुनीति के वचन को बार बार स्मरण कर रही थी भक्तों। गुरु महाराज कहते हैं, मनुष्य की सबसे बड़ी कमजोरी यदि कोई है तो यही है। बस भजन करने वाले साधकों के जीवन में भी यह देखा गया है, सबसे बड़ी कमजोरी, जीवन में कुछ अच्छा कार्य करोगे तो आपके लिए अच्छे बोलने वाले भी इतने ही हो गए और बुरा बोलने वाले भी उतने ही होंगे, और बुरे बोलने वाले की बात को बार बार स्मरण करते रहोगे तो शोक चिंता और दुख के अलावा कुछ नहीं पाओगे। वाक्यम सपत्न्या स्मृति सरोज, बस उनके वाक्य का स्मरण कर रही थी और रो रही थी। ऐसे लोगों की बातों को स्मरण करने से जीवन में दुख के अलावा कुछ नहीं मिलेगा। इसलिए भक्तों,
ऐसी बातों का स्मरण नहीं होना चाहिए। यदि स्मरण ही करना चाहते हैं तो कृष्ण कथा का करना चाहिए, कृष्ण के नाम का करना चाहिए। संसार के लोग तो बोलेंगे, वो तो अपनी कमेंट देंगे। एक खिलाड़ी पिच पर, बहुत बड़े मैदान पर खड़ा है और उस स्टेडियम में लाखों लोग बैठे हैं और लाखों लोग अपनी अपनी कमेंट देते हैं कि इस खिलाड़ी को ऐसे खेलना चाहिए, ऐसे खेलना चाहिए, ये करना चाहिए, वो करना चाहिए। एयर कंडीशन में कुर्सी के ऊपर बैठकर आदमी कुछ भी कमेंट दे सकता है। एक बार रणभूमि में उतर कर तो देखो, आकर तो देखो एक बार, यहां पर दो मिनट बैठकर माइक हाथ में पकड़कर तो देखो, हाथ कांपने लगता है, पांव कांपने लगता है। लेकिन कमेंट देने की बात आती है, फलाना तो ऐसा बोलता है, वो तो ऐसा कहता है। संसार के लोग, उस स्टेडियम में बैठने वाले लोग चर्चा करेंगे, इसे ऐसा करना चाहिए, ऐसा करना चाहिए। लेकिन जो खिलाड़ी है उसे अपने कार्य में कॉन्सेंट्रेट करना होता है। यदि वह दूसरों की बातों को सुनने लगा तो ठीक से खेल नहीं पाएगा। भजन करने वाला अपने भजन में, अपने मार्ग में रहे। यदि वह दूसरों की ये सारी बातें सुनने लगा तो अपने मार्ग से भटक जाएगा, खेल नहीं पाएगा। और जो कुछ कर नहीं सकते वे ही ऐसी कमेंट देते हैं। एक बार एक आदमी युद्ध करवा निकलो, अन घर में जेटली तलवारो हती बद्दी तलवार लेने निकलो, जेटली आपड़ा इतिहास में जेटला शूरवीरोए जैसल जाडेजा थी लई महाराणा प्रताप सुधीनी जेटली तलवारो उपराणी, ये बद्दी तलवारो लेने निकलो कि मारी नाखू, आज तो भूखा काढ़ी नाखू। 10 मिनिट थई पाछो घरे आयो, पत्नी ए कीधु मैं तो लापसी करी, तमारी आरती करी, मैं तमने मोकल्या, अने तमे पाछा केम आव्या, तमे तो युद्ध करवा गया था। ठीक है, शू करूं, बार कूतरो भोंकतो तो हुई जा। जो कुछ कर नहीं सकते वही बोलते हैं, और जो करना जानते हैं, जो पा गया हो राज, वो चुप है, खामोश है। इसलिए ऐसे बोलने वालों की बात पर विचार न करें। जब ये तो गांव की देखी हुई बात, गांव में जब कोई बहुत बड़ा हाथी आते ना तो कुत्ते बहुत भौंकते हैं, घर के दरवाजे पर खड़े खड़े उस घर में घुसते हुए भौंकते रहते हैं। भौंकने का कारण क्या है कि हमारी गली में हमसे बड़ा आदमी कैसे आ गया। हमारी साइज का होता तो एक बार सहन कर लेते, लेकिन हमसे इतना बड़ा हाथी ये कैसे सहन हो पाएगा। इसी प्रकार इस दुनिया में अपनी अपनी फील्ड में लोग यही सोचते हैं कि हमारी फील्ड में हमसे बड़ा आदमी कैसे आ गया, भौंको, निकालो इसे यहां से। कुत्ते भौंकते रहते हैं और हाथी अपनी मदमस्त चाल में चलते रहता है। भजन करने वाले को ये सारे सूत्र याद कर लेने चाहिए और अपने भजन में स्थित रहना चाहिए। सुनीति, एक तो शरीर है स्त्री का, अबला नारी है, अपनी सोत के वचन को याद कर करके सुनीति रो रही है। भक्तों, रोना नहीं चाहिए। इस संसार के ऐसे कुछ लोगों की बात को याद करके क्या रोना। एक गुजरात के बहुत सुंदर संत ने पद लिखा, पूरा तो याद नहीं लेकिन दो पंक्ति याद है। आलोकना
सागर मही कोई नाव थी तरशो नहीं आ दुनिया ना दो रंग ना दो का कदी करशो नहीं कोनो धोखो करो क्या अफसोस करेंगे भजन करे भजन करने वाले को दुनिया से किसी भी आदमी का सर्टिफिकेट लेने की जरूरत नहीं है गुरु का सर्टिफिकेट है कृष्ण प्रसन्न है भजन के मार्ग में आगे बढ़ो भजन करो फलाना ये कह रहा है फलानी ये कह रही है यदि इन्हीं बातों को सुनेंगे दुख के अलावा कुछ नहीं पाओगे और भजन करने की जो ताकत है वो क्षीण हो जाएगी किसी ने मुझे कहा कि प्रभु आपकी प्रगति का राज क्या है आप इतनी छोटी उम्र में इतनी कथा यहां वहां एक ही राज है गुरु और कृष्ण के अलावा किसी का सुनता नहीं हूं किसी का सुनता नहीं क्या सुनेंगे लोगों का भजन करने वाले को ये सूत्र याद करने चाहिए नहीं तो आदमी बड़ा दुखी रहेगा सूख गई सुनीति ने सोचा कि मैं भी रोती रही मेरा बेटा भी इस प्रकार से रोता रहा मेरे बेटे को शांत कौन करेगा रोते हुए सुनीति ने अपने बेटे ध्रुव को बहुत सुंदर उपदेश दिया बहुत सुंदर एक आर्यवर्ष की मां किस प्रकार अपने बेटे को उपदेश देती है एक मां को अपने संतान को अपने बच्चों को कैसे शिक्षा देनी चाहिए कैसे अपने संतानों को प्रेरणा देनी चाहिए सुनीति आदर्श है आदर्श मां है बहुत सुंदर दिल को स्पर्श करने वाला उपदेश प्रत्येक मां को गले का सूत्र बनाने वाला उपदेश अपने बेटे को समझाने वाला उपदेश दीर्घम श्वसन्ति वृजिनस्य पार अपश्यति बालक माह बाला मा मंगलम तात परेशु मनस्था भुंते जनो यते पर दुख दस्त दीर्घम श्वसन्ति वृजिनस्य पार रोते रोते सुनीति ने सोच लिया कि मेरे जीवन में इस दुख का कोई पार नहीं है वृजिनस्य पार इसका कोई और छोर नहीं है अपने दुख का कोई अंत नहीं पा रही थी अपना दुख का अंत देख ही नहीं रही थी बार बार मैत्री जी कहते हैं बाला बाला कोमल शरीर था सुनीति का बहुत छोटी सी उम्र थी और सुनीति ने अपने पुत्र को बहुत सुंदर उपदेश दिया यह नहीं कहा कि बेटा बेटा जाओ तुम्हारे मामा को बुला लाओ अब तुम्हारे पिता के सामने केस करेंगे सुंदर सुनीति ने बहुत सुंदर उपदेश का प्रथम शब्द ही भक्तों हृदय को छूने वाला है मा मंगलम तात परेशु मनस्था वास्तविक कथा अब शुरू हो रही है अब तक तो भूमिका थी अब जो जो सुनने लायक बातें हैं हे तात अपने बेटे को संबोधन दे रही है तात एक संस्कृत में
ये संस्कृत में प्रेम से संबोधन दिया जाता है अपने पिता को, बेटे को, तात, हे तात। जीवन में किसी के प्रति भी अमंगल की भावना मत करना, और विशेष करके अपनी सौतेली मां सुरुचि के प्रति अमंगल की भावना मत करना। अपने मन में एक पल के लिए भी अपनी मां सुरुचि को, तात मां अमंगलम, किसी का अमंगल मत सोचना कि फलाने ने मुझे दुख दिया, उसने मुझे दुख दिया, अब उसके जीवन में ये तकलीफ आ जाए, उसके जीवन में ये हो जाए। कभी भी बेटा किसी को दोष मत देना। अद्भुत उपदेश है भक्तों। उपदेश सुनने वाला रो रहा है, उपदेश देने वाला भी रो रहा है, करुण दृश्य छाया हुआ है। रोते हुए मां कहती है कि बेटा बेटा किसी को दोष मत देना। श्रीधर स्वामी कहते हैं अमंगलम अपराधम। बेटा याद रखना, यदि तुमने इस दुख के लिए किसी को भी दोष दिया या अपनी सौतेली मां सुरुचि को दोष दिया तो वह बहुत बड़ा पाप है, बहुत बड़ा अपराध है। एक पल के लिए स्वप्न में भी ऐसा मत सोचना कि तुम्हारी सौतेली मां का दोष है। बेटा ये हमारे अपने कर्म का दोष है, ये हमारे कर्म का दोष। दूसरों को दोष देने से क्या लाभ है, क्योंकि इस दुनिया में भुंगते जन, संसार के लोग वही भोगते हैं जो पर दुख दस्तत, जो पूर्व जन्म में किसी को दुख दे चुके हैं उसी को इस जीवन में दुख मिलता है। बेटा बेटा हमने पूर्व जन्म में दूसरों को दुख दिया होगा, बेटा हमने पूर्व जन्म में कुछ ऐसा गलत काम किया होगा, आज हमारे गलत कर्मों का परिणाम हमें प्राप्त हो रहा है। इसलिए किसी को दोष मत देना। हमारे जीवन में जितने भी दुख आते हैं भक्तों, इस दुनिया में किसी की ताकत नहीं है कि हमें कोई दुखी कर सके, किसी की ताकत नहीं है कि कोई हमें दुखी कर सके। भक्तों दुख हमारे अपने ही कर्मों का फल है, अपने ही कर्मों का हिसाब है, और हमें लगता है कि फलानी दुख दे रही है, फलाना दुख दे रहा है। इट इज जस्ट इंस्ट्रूमेंट, ये मात्र माध्यम है, मात्र माध्यम। बाकी दुख तो हमारे कर्म का फल है। काहुन को सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। सुख और दुख अपने कर्म का फल। इसलिए बेटा तुम स्वप्न में भी अपनी मां सुरुचि को दोष मत देना। और बेटा तुम उस आसन पर, उस राजा की गोद में, उस सिंहासन में नहीं बैठ सकते, ऐसा सुरुचि ने कहा ना। तुम इसलिए रो रहे हो ना कि उन्होंने कह दिया कि तुम यहां नहीं बैठ सकते। बेटा उन्होंने जो भी कहा है बिल्कुल सत्य कहा है। कैसी है, कैसा सुंदर उपदेश। बेटा तुम्हारी सौतेली मां ने जो भी कहा है सत्य कहा है, उसमें गलत क्या है। सत्यम सुरुचिया, सत्यम सुरुचिया, तुम्हारी मां सुरुचि सत्य है। जीवन में किसी के प्रति हमारे आश्रितों को प्रेम न जन्मा सको तो कोई बात नहीं, कम से कम किसी के प्रति द्वेष तो नहीं जन्माना चाहिए। कलयुग तो इतना गिर चुका है, कलयुग के लोग इतने गिर चुके हैं। कि एक व्यक्ति बार बार लगातार किसी और व्यक्ति को उनकी दृष्टि में झुकाना चाहता है,
निकृष्ट बताना चाहता है। एक मां सुनीति कहती है कि सुरुचि जो भी बोल रही है बिल्कुल सत्य है। सत्यम सुरुच्या विहितं भवान में यद दुर्भगाया उदरे ग्रहीत स्तन्ये नवरुदश्च विलजते या भार्येति बाभो ईळस्पतिर्मा। बेटा तुम्हारी मां सुनीति जो सुरुचि जो कह रही है बिल्कुल सत्य कह रही है। सुरुचि का क्या दोष? मंद भागिनी हत भागिनी इस सुनीति के पेट से तुम्हारा जन्म हुआ है। बेटा दोष तो मेरा है कि मैंने तुमको जन्म दिया और मेरे बेटे होकर आज तुम्हारा पिता राजा उत्तानपाद मुझे अपनी पत्नी तो नहीं स्वीकार कर रहा है, अरे मुझे अपनी दासी मानने में भी लज्जा महसूस कर रहा है। बेटा ये मेरे कर्म का दोष है, ये हमारे कर्म का दोष है कि आज राजा हमको स्वीकार नहीं कर रहे हैं। सुरुचि का क्या दोष? इस दुनिया में यदि कोई हमें दुख दे रहा है तो वो मात्र माध्यम है। दुख तो हमारे अपने कर्म का फल है। सुरुचि का कोई दोष नहीं है। इसलिए यदि तुमको इसलिए बेटा तुम अपने मन में जो ईर्ष्या लेकर आए हो ना, अपनी मां के प्रति जो द्वेष लेकर आए हो ना, सबसे पहले उस द्वेष को त्याग दो। आतिष्ठतात् विमतरस्त्वम्। ये जो मत्सरता है ना, मत्सरता, पहले तो ये मत्सरता निकाल दो। जीवन में कभी भी किसी के प्रति मत्सरता मत रखो बेटा। किसी के प्रति भी अमंगल की भावना मत करो, गलत भावना मत करो। ध्रुव ने रोते हुए कहा लेकिन मां मैं वहां पर बैठना चाहता हूं। बताइए सुनीति की बात समझ में तो आ रही है, लेकिन ध्रुव कह रहा है मां मैं समझ गया कि मैं सुरुचि के प्रति अमंगल की भावना नहीं करूंगा, उसको गलत नहीं समझूंगा, उनको दोष भी नहीं दूंगा, लेकिन मां मैं वहां पर बैठना चाहता हूं। सुनीति कहती है बेटा आज भी तुम वहां पर बैठ सकते हो। यदि तुम्हें वहां पर बैठना है तो तुम्हारी मां सुरुचि ने जो कहा है वही करो। आतिष्ठ तत्तात विमस्तरस्त्वम। उन्होंने जो कहा है, क्या कहा उन्होंने? तपसाराध्य पुरुषम तत् एव अनुग्रहेण में। परम पुरुष की आराधना करो, तपस्या करो। उन्होंने जो भी कहा है बिल्कुल सत्य कहा है। हमारी किसी से थोड़ी भी दुश्मनी होती है ना, वो आदमी कितना भी अच्छा बोले हम उस बात को उल्टा ही ग्रहण करते हैं। लेकिन धन्य है सुनीति, सोत है, इतना अत्याचार कर चुकी है, इतना गलत गलत बोल चुकी है, फिर भी कहती है बेटा सुरुचि की बात शत प्रतिशत सत्य है और उसी को अपने जीवन में उतारो। बुद्धिमान व्यक्ति कहीं से भी शुद्ध ज्ञान मिले तो वो उसे ग्रहण कर लेता है। और महान व्यक्ति यदि क्रोध में आकर भी किसी को डांटता है बोलता है तो वो अपनी महानता नहीं छोड़ता। जैसे कोई आदमी किसी को मार रहा है, बड़ा क्रोध आ गया और क्रोध से किसी को मारना चाहता है और कोई पत्थर वत्थर नहीं मिला, उसके झोले में सोने के सिक्के हैं, जैसे चिंतामणि जी के गले में सोने का हार है। चिंतामणि जी को क्रोध आ जाए, चलो किसी के ऊपर
और किसी को मारना हो तो अब पत्थर वत्थर नहीं मिला तो गले से निकाल कर ही मारेंगे, तो जिसको मार रहे हैं वो सोचेगा और मारे तो अच्छा है, क्योंकि थोड़ा बहुत मार खा लेंगे लेकिन जो आ रहा है वो तो अच्छा सोना गोल्ड आ रहा है। कोई आदमी किसी भी भाव से लेकिन कोई अच्छी चीज दे रहा हो, भले क्रोध करते हुए मारते हुए भी चेन निकाल निकाल कर इसे फेंकने लगे, कितनी मोटी मोटी चेन है देखो, तो आदमी सोचेगा ना दो तीन और लगेगा तो ठीक है लेकिन रख लेंगे। तो कहने का अर्थ यह है भक्तों, महान व्यक्ति अपनी महानता नहीं छोड़ता है, बुद्धिमान व्यक्ति उसे ग्रहण कर लेता है। तुम्हारी मां ने जो कहा है बिल्कुल सही कहा है, उसे तुम स्वीकार करो। क्या कहा? आराधया धोक्ष अज पद्म पद्मम यदि छसे ज्ञान सन मूतमोयता। यदि इच्छा से, यदि तुम चाहते हो क्या, उत्तमो यथा उत्तम की तरह, अपने भाई उत्तम की तरह उस राज्य को चाहते हो तो क्या करो? आराधया अधोक्षज पाद पद्मम। बेटा तुम भी उत्तम की तरह वहां पर बैठोगे, तुम्हारा पिता दोनों भुजा फैलाकर बिठा सकता है, तुम मनचाही चीज को प्राप्त कर लोगे, लेकिन एक चीज करनी होगी। ध्रुव ने रोते हुए कहा क्या मां? बोले अधोक्षज भगवान कृष्ण की आराधना करनी होगी। बस आज के माता पिताओं के लिए बहुत सुंदर शिक्षा है। बच्चे के जीवन में जीत तो होती है, कुछ ना कुछ मांगते रहते हैं, ये खिलौना चाहिए ये चाहिए, उस समय सुनीति की तरह कहना चाहिए बेटा तुम्हें जो चाहिए वह मिलेगा, लेकिन अधोक्षज कृष्ण की आराधना करनी पड़ेगी। दो माला जाप करो तुम्हें जो चाहिए मिल जाएगा। उस कामना को पूर्ण करने के लिए, उस चीज को प्राप्त करने के लिए वो बालक दो माला करेगा, कथा में आकर बैठेगा, और फिर दूसरे ही दिन आप उसे लाकर दे दो और कहो कि भगवान की कृपा से मिला है। दूसरी बार जिद करे, दो तीन माला कराओ, भक्ति के कुछ अंग कराओ, फिर उसे लाकर दे दो, भगवान की कृपा से मिला है। बचपन से ही ये संस्कार बनते 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 बड़े होकर ये संस्कार दृढ़ हो जाएंगे, दृढ़ हो जाएंगे। सुनीति ने बहुत सुंदर कहा बेटा, यदि इच्छा से, यदि तुम चाहते हो कि उत्तम की तरह राजा के सिंहासन पर बैठो तो अधोक्षज भगवान कृष्ण की आराधना करो। ध्रुव ने रोते रोते कहा मां ऐसा कोई है इस दुनिया में जिसने अधोक्षज की आराधना करके बहुत बड़े स्थान को प्राप्त कर लिया हो? सुनीति कहती है हां बेटा, किसी भी सिद्धांत को साबित करने के लिए प्रमाण दिया जाता है, एक नहीं तीन तीन प्रमाण सुनीति दे रही है कि बेटा उस अधोक्षज कृष्ण की आराधना करके बड़ी बड़ी चीज को प्राप्त कर लिए। ध्रुव ने कहा किसने प्राप्त किया? मां सुनीति कहते बेटा वो कल शाम को 7 बजे बताऊंगी। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम महापुराण की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, निताय गौर प्रेमानंदे।